केंदुआ आपसू पार्टी के नगर कमेटी के द्वारा खैरा में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी खेमका हाई राइज हिल टॉप के खिलाफ 22 सूत्री मांगों को लेकर आज हिंदी भवन के समीप से आउटसोर्सिंग कार्य स्थल तक सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर स्थानीय बेरोजगारों व रैयतों को नियोजन की मांग की। इस कार्यक्रम का नेतृत्व आपसू पार्टी के नगर अध्यक्ष जीतू पासवान ने किया। वही नगर अध्यक्ष जीतू पासवान ने बताया कि आज हम लोग शांति ढंग से मशाल जुलूस निकाल कर विरोध जता रहे हैं और 30 तारीख को कंपनी का चक्का जाम किया जाएगा। एक महीना से कंपनी को 22 सूत्री मांग को देकर शांतिपूर्ण तरीके से पिछले 3 तारीख को हम लोग एक दिवसीय धरना दिए और 22 सूत्री मांग जो विशेषल एक्ट के तहत और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है उस पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग से आजसू पार्टी द्वारा वार्ता करके इस कंपनी चलाए। लेकिन कंपनी किसी न किसी तरह से चाहता है कि यहाँ पर भी और जगह पर जिस तरह से खून खराबा कराया है उस तरह यहाँ भी खून खराबा कराना चाहता है। मैं आपके माध्यम से प्रेस के माध्यम से जिला प्रशासन को अगवा कराना चाहता हूँ और मांग करता हूँ कि कंपनी को समय रहते भाप ले और कंपनी पर कार्रवाई करे। हम लोग चाहेंगे कि कंपनी जो भी चीज़ है केंद्र सरकार से नियमता मजदूरी चाहे वृक्षरोपण की बात, अभी तक कहीं तक वृक्षरोपण का भी काम नहीं किया है, दो दो तालाब नष्ट हो रहा है, एक भी तालाब नहीं बनाने का काम किया है और लगभग 2 महीना से कंपनी चला चुकी है यहाँ पर, लेकिन एक भी लोगों को अगर कंपनी आज बता दे कि मैं 2 महीना में 2 लोगों को भी यहाँ स्थानीय लोगों का भी नियोजन दिया हूँ तो मैं मानने के लिए तैयार। एक भी लोगों को नियोजन नहीं दिया और ये लठेत के बल पर गुंडे के बल पर यहाँ कंपनी चलाना चाहता है। तो हम लोग आईसू पार्टी आंदोलन करने का पार्टी है, हम लोग जनहित के मुद्दा पर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए जिस हद पर जाना पड़े हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से तरीके से इसको 30 तारीख को हम लोग इसको चक्का जाम करने का भी काम करेंगे।